नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों को पंजाब आने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरह की बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं संदर्भ को देखना चाहता हूं, किसी का भी बयान देश में संदर्भ क्या है। चन्नी जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं पंजाब में, जहां हम जीत भी रहे हैं, तो वो संदर्भ क्या है उस संदर्भ को समझना चाहिए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं है। जहाँ तक बहसियत बिहारी होने का सवाल है, तो बिहार क्या किसी भी प्रदेश के किसी भी लोगों को हर प्रदेश में जाके काम करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ यह भी आँख खोलने वाली बात है कि इन प्रदेशों में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, उस प्रदेश का अपना एक रिसोर्सेस इतना सॉलिड हो जाना चाहिए कि हमारे बिहार के हमारे नौजवान कहीं दूसरे प्रदेशों में जाके काम नहीं करें। उनको अपना सोर्सेज भी, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ हुआ नहीं है, तो संदर्भ हमको समझना है कि संदर्भ उन्होंने ये बात कही। लेकिन सवाल ये है सर कि पंजाब से भी तो बहुत सारे लोग बिहार आते हैं और बिहार से भी लोग पंजाब जाते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देना कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे, ये तो हमारे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी कभी कभी बोलती थी, एक ज़माने महाराष्ट्र में बोलते थे, तो बोलने से कुछ होता नहीं है। बिहारी जहाँ जाता है अपनी बात कहता, अपना झंडा फहराता, और ये अधिकार है उसको हर जगह जाने का, उस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता। 24 सीट पर चुनाव होने हैं MLC के, RJD ने तो ऐलान कर दिया, आप लोग कब कर रहे हैं? उनको जल्दीबाजी थी, उन्होंने कर दिया, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय आने दीजिए, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि पहलवान ही नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा, तो कहने के ऊपर क्या रिएक्ट करें? अब बार बार क्यों रिएक्ट करें? हम थोड़े मजबूत थिंकिंग के लोग हैं, तो मजबूत थिंकिंग के जो लोग होते हैं वो आराम से ध्यानपूर्वक बातें करते हैं, आप लोग उलबुलाए हुए नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी उलबुलाहट में राजनीति भी नहीं करता और डिसीजन भी नहीं लेता। आप लोगों के लिए 3 सीट छोड़ी गई है? जब कोई बात ही नहीं है, तो जब कोई बातचीत ही नहीं है, तो सीट छोड़ना और न छोड़ना क्या मतलब है? वो लड़ लें पूर्णिया सीट जा करके। आप लोग नहीं लड़ेंगे? नहीं, बोले उन्होंने छोड़ा तो लड़े, उनको नहीं मिल रहे होंगे कैंडिडेट, शायद उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं 3 जगह जहाँ उन्होंने छोड़ा। नेचुरली, और क्या हो जाए, कैंडिडेट नहीं उनके पास, पहलवान नहीं उनके पास, उनके पास जी ना। लेकिन कहा जा रहा है ये कांग्रेस के लिए छोड़ा गया? नहीं, पूर्णिया में तो उनके पास है ही नहीं है, लड़ लें जरा, तो इसलिए ये सब बात नहीं, इसका कोई संदर्भ ही नहीं, वो खत्म हो चुका, गठबंधन खत्म। उन्होंने तो कहा है कि गठबंधन कहाँ है, क्यों दें, उनके प्रवक्ताओं की बात सुनिए। लालू यादव तो कह रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन है। दिल्ली 2024 में आएगा ना, 2024 के पहले फैसला होगा ना। तो आप लोग के पास पहलवान है, कब तक उतार रहे हैं? बस संजीदगी से फैसला करने वाली पार्टी है, उलझुल में नहीं करते हैं, कोई कुलबुलाहट नहीं है, समय आने दीजिए। चलिए, कांग्रेस के विधायक थे, सवाल जो थे आपने सुने हैं, और भी अपडेट्स देंगे विस्फोटेशन के साथ। नमस्कार।